हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट क्लास की स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे सुअर। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, एक बार तीन छोटे सुअर थे। क्या नाम थे उनके? सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ, सोनू भूसे के बने घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स, मोनू जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं लट्ठे से, उनके घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, गोनू पक्की ईंटों से बने घर में रहता था। लाल ईंटों का घर होता है ना, उसमें रहता था। वन डे ए बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस, एक बार एक बड़ा बुरा भेड़िया सोनू के घर की तरफ आया। ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं जोर जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, इसलिए उसने जोर जोर से फूंक मारी और घर को गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस, सोनू मोनू के घर की तरफ भागा। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, भेड़िया मोनू के घर की तरफ आया। ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं जोर जोर से फुसफुसाऊँगा और मैं तुम्हारे घर को गिरा दूँगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड आई ब्लू मोनूज हाउस डाउन, इसलिए उसने जोर जोर से फुसफुसाना शुरू किया और मोनू के घर को गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस, सोनू और मोनू गोनू के घर की तरफ भागे। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, वुल्फ गोनू के घर की तरफ आया। ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं जोर जोर से फूंक मारूंगा तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन इसलिए उसने जोर जोर से फूंक मारा लेकिन वह लाल ईंटों से बने घर को गिरा नहीं सका। इट वॉज वेरी स्ट्रोंग, यह बहुत मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे, भेड़िया चला गया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस, सोनू मोनू गोनू इकट्ठे लाल ईंटों से बने घर में खुशी खुशी रहने लगे। न्यू वर्ड्स देखते हैं। एंड मीन होता है और। बैड का मतलब बुरा, बिग बड़ा, बट लेकिन, नॉट नहीं, वन एक, पिग मतलब सुअर, दी यह वॉल्स था। लेट्स रीड, द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, वुल्फ कैसा था? बड़ा और बुरा। द पिग वॉज नॉट बिग, पिग बड़ा नहीं था। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।